अपराधियों की नकेल कसने वाली नागपुर शहर पुलिस कभी बाढ़ में तो कभी भीषण गर्मी में परेशान लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाकर शहर वासियों को कर्फ्यू का मौका देती है। शुक्रवार को फिर ऐसे ही मौका आया जब अपने परिजनों को खो चुकी और झोपड़े में रह रही एक 70 वर्षीय वृद्धा के लिए बारिश से बचने का उपाय कर दिया गया। हुआ यूं कि जोन 3 के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान शांतिनगर परिसर में उनकी नजर 70 वर्षीय नर्मदा बबन बानकुले की झोपड़ी पर पड़ी। उनके झोपड़ी की छत पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी और हल्की सी बारिश में भी नर्मदा को मुश्किल हो रही थी। नर्मदा के पति और बच्चे भी अब इस दुनिया में नहीं है। वह अकेले ही अपने झोपड़े में गुजर बसर करती है। डीसीपी मतानी को यह पता चलते ही उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी ताड़पत्री बुलाई, फिर स्वयं अपनी टीम के साथ नर्मदा की झोपड़ी सुधारने में जुट गए। कुछ देर में ही इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया, जिससे बारिश के दौरान छत से पानी टपकना बंद हो गया। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। शांति नगर हद में हम लोग हर बार की तरह आज भी फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक महिला को देखा जिनका नाम है नर्मदा बबन बावनकोड़े, 70 साल की हैं। उनके दोनों जो लड़के हैं वो मर चुके हैं और पति उनको 40 साल के छोड़ के गया हुआ है। अकेली रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं और काफ़ी गरीब हैं। उनके घर में जो छत के टूटने की वजह से पानी टपक रहा था और अभी जो बरसात के मौसम में वो रह नहीं पा रही थी और एकदम बेसहारा हो गई थी। पाए पेट्रोलिंग करते समय हमने देखा कि वह बेसहारा है, तो हमारे मन में ऐसा विचार आया कि उनको क्यों ना हम वहाँ पे तारपीन लगाकर उनकी छत को ढकें। और जैसे कि हम लोग पेट्रोलिंग में हम लोग एक वचक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वचक बनाते समय जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी मदद क्यों ना की जाए, ऐसा हमारा विचार था। ये विचार को मन में रखते हुए हमने वहाँ पे उनके घर के ऊपर एक तारपीन लगवाई और ये पूरी कोशिश की कि आगे से उनको अपने घर में रहते समय और सोते समय पानी और बरसात के पानी की तकलीफ ना आए। नागपुर पुलिस का यह सहयोग देखकर नर्मदा भी भावभीर हो गई। डीसीपी मतानी ने कहा कि अब यह वृद्ध महिला खुश है। उन्होंने नागपुर वासियों से अपील की कि वे नर्मदा और उनके जैसे लोगों की सहायता करें ताकि बारिश में उन्हें परेशानी से बचाया जा सके। ये पालटा का की मदद मिला, वो पानी फेंका लगे मले हाथाना तो दादा कड़े गेलो, मगासी मागई गेलो होतो मी दोन वेळा। जहाँ एक और नागपुर पुलिस पर कई सवाल या निशान खड़े किए जाते हैं, वही पुलिस द्वारा किया गया ये कार्य सच में एक सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, बीसी न्यूज नागपुर।